हाँ वो बेटा देखो क्या होता है, कई बार ऊपर तो आता है क्वाड्रेटिक, और कौन सा क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं इसको। इसमें एक्स की पावर वन नहीं है, अगर प्योर क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स की पावर वन नहीं होगा। और नीचे आता है प्योर बाय क्वाड्रेटिक, जो प्योर बाय क्वाड्रेटिक होता है बेटा उसमें एक्स की पावर थ्री नहीं आता और एक्स की पावर वन नहीं आता। तो कभी भी आपको दिखे ऊपर तो प्योर क्वाड्रेटिक है और नीचे प्योर बाय क्वाड्रेटिक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो समझते हैं। तो तरीका क्या होता है बेटा, ऊपर नीचे हमारे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा वन, ये बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ये बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने क्या करा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमने क्या करा ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिख लो बेटा, नोट बना के देखो, ये लिखो बेटा, देखो या तो न्यूमरेटर में आपको लिखा हुआ दिखेगा, या तो न्यूमरेटर में आपको लिखा हुआ दिखेगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, या न्यूमरेटर में आपको लिखा हुआ दिखेगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे अगर प्योर बाय क्वाड्रेटिक है, नीचे अगर प्योर बाय क्वाड्रेटिक है तो ये दिखना ही चाहिए न्यूमरेटर के अंदर। अगर न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है तो हमें टी किसको मानना होगा, आप कुछ सोच के बताओ किसको डेरिवेटिव करेंगे आ जाए। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो बताओ ये आ जाएगा क्या, और इसके वाले केस में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो आप, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस अगर न्यूमरेटर में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको टी मानेंगे, अगर न्यूमरेटर में वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको टी मानेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, तो आगे ऐसे करेंगे, हमें नीचे क्या चाहिए, नीचे हमें हमेशा चाहिए होगा, नीचे हमें हमेशा चाहिए होगा डिनोमिनेटर में, हमेशा हमें चाहिए होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो कैसे आएगा, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या आएगा देखो, ए का स्क्वायर आएगा प्लस बी का स्क्वायर आएगा माइनस टू ए बी आएगा, तो ए और बी तो कट जाएगा ना, ए और बी तो कट जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर आएगा टी स्क्वायर प्लस टू। और इस वाले केस में आपको समझ में आ रहा होगा, ये आएगा ए का स्क्वायर, ये आएगा बी का स्क्वायर और यहां पर प्लस का टू आएगा जो उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का टू। बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रख लेना। तो बेटा देखो हमने क्या करा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को टी मान लिया, टी माना तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स और डीटी, और स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, तो वही आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का टू आएगा जो उधर आके प्लस का टू हो जाएगा। और अब वैल्यू लाके पुट कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा डीटी और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और टी की जगह वैल्यू आ जाएगा, टी का वैल्यू क्या है तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स है, मैंने एलसीएम लेके लिख दिया, तो टी का वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। क्या फॉर्म समझ में आया, पहला एक एग्जांपल देखो। बोलो बेटा समझ में आ गया फॉर्म वाला, यस सर। कॉपी कर लीजिए, एक बार कॉपी कर लो फिर अगला अगला क्वेश्चन छापो उसके अंदर ही।
हो गया कॉपी। सर एक मिनट। हाँ सर, हाँ बेटा। सर एक मिनट, में लैपटॉप से कनेक्ट करूँ क्या? फोन में बैटरी नहीं है। हाँ करो करो, कोई कोई बात नहीं। सर कंटिन्यू करते, क्योंकि लैपटॉप चालू होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, अपनी यात्रा के आगे ना बैटरी को चार्ज, हाँ फोन पे चार्ज पे लगा लो साइड में रख के। और क्या करें, देखो बेटा अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बेटा, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे पहले एक बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लेवल क्वेश्चन समझते हैं। तो डीएक्स आ गया, ऊपर वन है देखो इस बार, और एक्स की पावर 4+1 है। या तो ऊपर वन होगा बेटा, या मान लो ऊपर x² है बेटा। अब दोनों बातों को ध्यान से सुनो और समझो दोनों में क्या फर्क होता है। हमें ऊपर नीचे x² से डिवाइड करना है। अगर मैं यहां पर x² से डिवाइड करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा 1/x² और नीचे आ जाएगा x² + 1/x² और यहां पे अगर मैं करता ये वाला काम तो ऊपर तो आ जाता 1 और नीचे आ जाता x² + 1/x² लेकिन जैसा हमारे को पता है न्यूमरेटर में या तो 1+1/x² आना चाहिए या 1-1/x² आना चाहिए तभी सॉल्व हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। तो यहां पर 1+1/x² नहीं आ रहा और यहां पर 1-1/x² नहीं आ रहा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर प्लस वन कर दो माइनस वन कर दो, आ गया ना लो, अरे ये तो आ गया मेरे भाई, यहां तो आ गया, लेकिन ये अटका देगा। अब भाई ये तो सुलझ गया, इसको सुलझाया तो यहां अटक गया आके। तो +1 -1 करने से भी बेड़ा पार नहीं होगा और वही कहानी वहां पर है। अगर वहां पे भी +1/x² और -1/x² करोगे फिर अटकते जाओगे। तो अब क्या करें कि सॉल्व हो जाए, समझ। प्रॉब्लम क्या हुई कि ये बना ही नहीं, यहां पे ये बना तो ये अटक गया, अब ये बनाओगे तो कुछ और अटक जाएगा, मतलब बनेगा नहीं क्वेश्चन, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा आखिरी में जाके। तो करें क्या सर, तो याद रखो बेटा अगर ऊपर अकेला वन आ रहा है, अगर ऊपर अकेला वन आ रहा है तो पहला स्टेप क्या होता है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। मैं कह रहा हूं, वापस से कह रहा हूं, अकेला वन आ रहा है, वन काम नहीं करेगा अकेला, तो वन अकेला काम नहीं करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब इससे क्या फायदा होगा, एक एक करके समझाता हूं। पहले इसको समझाता हूं, यहां पर मेरे को 1/2 तो बाहर लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पर मेरे को 2 दिख रहा है, 2 को मैं बोल सकता हूं 1+1। एक बार मैंने +1/x² कर दिया और एक बार मैंने -1/x² कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं इसको अब अलग अलग कर दूंगा और अलग अलग करूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो 1+1/x² मैंने अलग कर लिया और प्लस का 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने अलग कर दिया। दूसरा
को मैंने अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने से फायदा क्या हुआ, इस वाले केस में तो मैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को टी मान लूंगा, सॉल्व हो जाएगा, और इस वाले केस में मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को यू मान लूंगा और सॉल्व हो जाएगा। क्या कर लोगे क्या आगे सॉल्व बताओ बेटा? ये आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स डीटी, और ये आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स डीयू। स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, कितना आ जाएगा टी का स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यू का स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डी टी और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टू, ऊपर आ जाएगा डी यू और ये आ जाएगा रूट U का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। क्या कर लोगे क्या आगे सॉल्व बोलो बेटा वरुण? यस सर। सर मेरे को ऊपर वाला जो एक स्टेप था ना आपने जो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किया, हाँ तो मैंने क्या करा मतलब, हाँ बोलो हाँ, अब वो समझ में नहीं आया सर। हाँ कोई बात नहीं, देखो मैं कह रहा था यहाँ पे वन था हमारे पास, अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देता सीधा सीधा, अगर मैं ऊपर नीचे सीधा सीधा डिवाइड कर देता तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती आगे जाके। क्यों नहीं होती? मैं प्लस वन करता माइनस वन करता तो ये सुलझ जाता लेकिन ये फंस जाता, ठीक है ना? तो मैंने टू से मल्टीप्लाई करा, टू से डिवाइड करा, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करा तो ऊपर तो टू आ गया, ऊपर तो टू आ गया। टू मतलब क्या होता है? वन प्लस वन होता है। टू मतलब क्या होता है? वन प्लस वन होता है। मेरे को पता है सॉल्व तभी होगा जब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, तो सॉल्व तभी होगा जब ऊपर या तो ये हो या ये हो, तभी सॉल्व हो सकता है। तो उसी ज्ञान को यूज करते हुए मैंने बोला एक बार मैं प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर देता हूं और एक बार मैं माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर देता हूं, तो इसको मैं अलग कर लूंगा, इसको मैं अलग कर लूंगा, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. अब इस वाले केस को देखो, अगर यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर से तो ऊपर क्या आ जाएगा? ये मैंने क्या मैंने कुछ गलती कर दी लिखने में, ये मैंने इसको एक्स स्क्वायर मांग के सॉल्व करा है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था ना मैंने, तो वन ही तो आएगा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो वन ही तो आ जाएगा, इसलिए ऊपर टू बचाता। इसके अंदर वन, इसमें इसको वन मान लेते हैं यहाँ पे, है ना? समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, मैंने ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था तो ऊपर टू तभी तो बचेगा जब ऊपर एक्स स्क्वायर होगा। अब ये नंबर लेते वन वाला, क्या समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था मेरे भाई, तो ये तभी पॉसिबल, पर टू तभी आएगा जब ये होगा। ऊपर अच्छा वन होता तो क्या करते? तो अगर मैं ऊपर नीचे x square से डिवाइड करता तो ऊपर क्या आ जाता बताओ? 2 upon x square आ जाता। ऊपर क्या आ जाता? 2 upon x square आ जाता। अब इसको बेटा वही अलग अलग करता मैं कि भाई 1 upon x square आप अलग हो जाओ, 1 upon x square आप अलग हो जाओ, फिर मेरे को पता है 1 plus 1 करना पड़ेगा और माइनस 1 करना पड़ेगा, अब दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो एक तो बना बनाया मिल गया मेरे को सही ढंग से 1 plus 1 upon x square। इस वाले पार्ट में मैं माइनस को कॉमन निकाल लूंगा और फिर मेरे को बना बनाया मिल जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट तो ऐसे कैसे कॉपी हो ही जाएगा। ये समझ में आ गया? ये अब तो वही तरीका है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को यू मानू और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को वी मानू, ठीक है सर, है ना? हाँ कॉपी कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, है ना?
हो गया कॉपी सर आपके राइट हैंड साइड में। हाँ वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा। हाँ ये माइनस का वन कहाँ से आया? ये प्लस का वन किया था मैंने, माइनस का वन किया था। माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से आप, तभी तो ये वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा भाई। ऊपर तो मेरे को यही बनाना है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तभी जाके। टू कहाँ गया फिर? कौन सा टू कहाँ गया? ऊपर वाला ये टू तो लिखा था, टू था ना, ये टू था तो ये लिखा था वन प्लस वन, तभी तो लिखा था। वो टू अपॉन एक्स स्क्वायर था, टू अपॉन एक्स स्क्वायर था। टू अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर दो बार लिखे ना ठीक है सर। हमें। हाँ आ गया, यस सर आ गया। इसी पैटर्न को लेकर एक क्वेश्चन और, ये सीबीएसई फेवरेट है। सीबीएसई फेवरेट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार दोस्त। टेन थीटा डी थीटा, इसके दो वैरायटी, दोनों कराता हूँ। पहले एक वैरायटी समझते हैं। टेन थीटा को बेटा इस केस में हमें टी स्क्वायर मानना होता है। टेन थीटा को हमने टी स्क्वायर माना। अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा टू टी डी टी। तो डी थीटा कितना आ जाएगा, देखो डी थीटा आ जाएगा टू टी डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे सेक्स स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा क्या है? तो आप बोलोगे सर टेन थीटा तो टी स्क्वायर है। तो सेक्स स्क्वायर टेन टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टी की पावर फोर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? वन प्लस टी की पावर फोर आ जाएगा। तो डी थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर। और ये कितना आ गया? ये आ गया रूट टी स्क्वायर। डी थीटा कितना आ गया? टू टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर डी टी। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो आ जाएगा टू टी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा टी की पावर फोर प्लस वन। अब इसको तो हम भली भांति जानते हैं, टू का पंगा भी नहीं है, टू पहले से आ रखा है। तो ऊपर नीचे हमने टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ऊपर तो आएगा टू और नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर अलग और वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर अलग। भाई प्लस मैंने वन अपॉन टी स्क्वायर कर दिया, मैंने माइनस भी वन अपॉन टी स्क्वायर कर दिया और नीचे वाले को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। नीचे वाले को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। हाँ बेटा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे वाला एज इट इज कॉपी हो गया। यहां तक समझ में आ गया? बताओ बेटा। Yes, sir, आ गया। अब बस सिंपल सी बात है भाई, टी माइनस वन अपॉन टी को यू मानो या तो, और यहाँ पे टी प्लस वन अपॉन टी को वी मानो बेटा। अब मैं सीधा स्टेप कर देता हूँ, सीधा कर देता हूँ। ऊपर क्या आएगा? तो डी यू आएगा, आपको पता है। और नीचे क्या आएगा? तो यू स्क्वायर प्लस टू आएगा। देखो प्लस टू ही आएगा, माइनस टू नहीं आएगा। स्क्वायरिंग करके देखो, स्क्वायरिंग करके देखो, प्लस टू ही आएगा। हाँ
आएगा डीवी, और नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा, वी स्क्वायर, और कितना आएगा बेटा, माइनस का 2। बोलो बेटा। हाँ है ना। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/2a लॉग मॉड वी माइनस रूट टू और वी प्लस रूट टू प्लस सी। अब यू क्या था, तो यू तो ये रहा, तो इसको मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूं हाथ की हाथी। तो एलसीएम लेके लिखूंगा तो क्या आएगा, तो टेन इनवर्स आएगा, ऊपर आएगा टी स्क्वायर माइनस वन, और नीचे टी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू क्या था, तो यू था टी वी क्या था, वी था टी स्क्वायर प्लस 1/t। अब मैं इसको एलसीएम लेके लिखूंगा हाथ की हाथी पूरा, तो ऊपर v की जगह तो आएगा t स्क्वायर प्लस 1, ये जो अपॉन में t है ये एलसीएम में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट टी से, रूट टू से, और यहां पे भी आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, और ये एलसीएम वाला t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा t है ना प्लस c। और ये t क्या बवाल है अभी, तो t जो है हमने ये मान रखा है, t क्या है, t है रूट टेन थीटा, t क्या है रूट टेन थीटा, और t स्क्वायर क्या है टेन थीटा, तो वैल्यू लाके पुट करेंगे फाइनली तो फाइनल आंसर हमारे सामने आ जाएगा 1/√2 टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस 1/, ये रूट टेन थीटा है तो रूट को साथ में ले लेता हूं, प्लस 1/√2 लॉग टी स्क्वायर क्या है टेन थीटा, प्लस 1 को प्लस 1 लिखा, और टी क्या है रूट टेन थीटा, रूट टेन थीटा, टी स्क्वायर को लिखा टेन थीटा प्लस 1 प्लस रूट टू टेन थीटा और प्लस सी। इतना बढ़िया सा आंसर आ गया, देखो आप। समझ में, सीबीएसई का फेवरेट क्यों है? हाँ आ गया सर। नहीं हाँ, ये बड़ा गंदा क्वेश्चन था ना, कॉपी करो। एजुकार्ट का बुक आ गया टर्म टू का मेरे पास, कल कल दे दूंगा आपको। बहुत जल्दी आ गया सर। एजुकार्ट वाले को लास्ट में ध्यान फटकारा था अपन ने खूब बुरी तरह सर से सारी बुकें भेज दी, 9th की भी 10th की भी सब भेज दी, सारी बुकें जो उसने उसने निकाली थी सारी भेज दी, सारी भेज दी। सारी भेज तो दी। इस बार कैसे निकाली है, थ्योरिटिकल या ऑब्जेक्टिव? एक सेकेंड, हेलो। वो बंदा का लाइसेंस दिया था ना सर? हाँ राम मंदिर देखा है ना? हाँ, आप राम मंदिर आके फोन कर लो, मैं राम मंदिर पहुंचो, 2 मिनट पहुंचो राम मंदिर, तो राम मंदिर 2 मिनट पहुंचो राम मंदिर, आप मेरे को फोन कर दो, राम मंदिर आके फोन कर दो, मैं आ जाऊँ 2 मिनट में। हाँ बेटा क्या करता है बताओ, फोन आ गया तो भाई मैं तो ये कह रहा था तेरा ऑब्जेक्टिव निकाली, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव निकाली। निकाली है। अच्छा, पर ये जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आरडी में है ना सर? हाँ आरडी में है सारे क्वेश्चंस, ये टाइप बचा हुआ था कल अपने, पूरा नहीं हो टाइप है ना, कर ले आराम से।
दो दो तीन बार लिख लीजिए जरूर करना बेटा, आज ही ये याद हो जाए ताकि दिमाग में बैठ जाए वाली बातें, है ठीक है सर। ना। हाँ, इसी का एक छोटा भाई और देखो यहाँ पे, रूट कॉट थीटा डी थीटा, तो वही कॉट थीटा को आपको टी स्क्वायर मानना पड़ेगा, ठीक है सर। और ये आप काम करोगे तो यही आंसर आने वाला है, मतलब आंसर तो यही आने वाला है, बस जहां पे टेन लिखा हुआ है ना वहां पे कॉट आ जाएगा, मैं बताता हूँ ऐसे। ये उठ गया यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे टेन आया था ये टेन, तो अब ये टेन नहीं होके कॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये कॉट थीटा, समझ गए ना, ये कॉट हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, ये ऐसे कॉट हो जाएगा बस, और बाहर से एक माइनस और आ जाएगा नफे के अंदर, बस बाकी सब सेम है। ये कॉट थीटा आएगा, ये कॉट है, आर्डिशन में तो क्वेश्चन है उसमें, अगर आर्डिशन में है अपने पास तो उसमें है क्वेश्चन ये वाला, ये कॉट हो जाएगा बाहर से तो सब में, और ये बाहर से एक माइनस और आ जाएगा बाहर पूरे ब्रैकेट के बाहर, और प्लस का सी ऐसे कैसे आंसर ये आएगा, है ना। वही करना पड़ेगा, कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस होता है तो ये माइनस यहीं पे आ गया, माइनस यहीं पे आ गया ना, तो माइनस तो उसकी आ गया बाहर, और वही टू कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखोगे तो ये वही आ जाएगा माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर, फिर देखो वही वैल्यू वैसे कैसे आ जाएगा, बस बस सब्स्टिट्यूशन में फर्क पड़ेगा, बाकी कहानी तो वही चलेगी ठीक है सर। ना। हाँ, तो ये अपने लिए होमवर्क। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, देखो ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रूट एग्जाम्पल में दे रखा है, रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, और बोलोगे सर दोनों अलग सॉल्व करने पड़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, अरे दोनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं है दोस्त, एक बार में हो जाएगा, या तो पूरे को टेन बनाएंगे या पूरे को कॉट बनाएंगे, ठीक तो हम तो पूरे को टेन बना रहे हैं, जैसा एनसीईआरटी ने कर रखा है वैसा ही कर रहे हैं, पूरे को टेन बनाएंगे, देखो बना लिया, एलसीएम लेके लिखेंगे, तो एलसीएम लेके लिखेंगे तो ऊपर आएगा टेन थीटा प्लस वन और नीचे आएगा रूट टेन थीटा, हाँ अब टेन थीटा को वही हम टी स्क्वायर मान लेंगे, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टू टी डी टी, अब इसको सीधा कर देते हैं यहां पे लाके, डी थीटा बराबर हो जाएगा टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर, देखो आप है ना। हाँ अब इसको यहां लाके रख देते हैं, तो ऊपर आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस वन, नीचे आ गया रूट टी स्क्वायर, और डी थीटा की जगह आ गया हमारे पास टू टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर टी टी, ध्यान से देखो तो ये टी स्क्वायर रूट के बाहर आके टी बनेगा और ये कट जाएगा से, अब टू को तो पकड़ के बाहर निकाल लो, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो लगे हाथी, और ये फॉर्म बन के वापस आ गई, तो टी माइनस वन अपॉन टी को यू मान लेना, फिर सीधा सीधा आंसर दिख ही रहा है वहां, ऊपर तो आ जाएगा डी यू, नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू, क्या आ जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अब ये कटेगा तो ऊपर रूट टू आ जाएगा, टेन इनवर्स आ जाएगा, और यू क्या है तो यू है टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टू टी प्लस सी, और टी की जगह वैल्यू रख दो, ठीक है है ना। हाँ, कॉपी कर लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एग्जांपल दे रखा है मिसलेनियस के पहले, मिसलेनियस के पहले दे रखा है। सर। ठीक है सर। कल सर कल क्लास जाने देते हैं। रहने दे क्लास को, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। हाँ कल मैं ऑफिस तो आऊंगा, क्योंकि आज मैंने 10th वालों को नहीं पढ़ा है, 9th 10th वालों को नहीं पढ़ा ना, ऑफिस में नहीं जा रहा ना, आज बारिश का मौसम था, मौसम थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी, मैं नहीं गया ऑफिस में आज। वॉशिंग मशीन भी। अच्छा सर। अच्छा है ना, तो कल तो ऑफिस से आऊंगा, अगर आपको लगे बता देना, अच्छा अगर अच्छा हुई तो मैं आपको शाम तक मैसेज कर दूँ। है ना। हाँ, ये टॉपिक आ गया समझ में, अगला टॉपिक पढ़ा दूं हाँ इसमें, सर। एक टाइप बच्ची इसमें, इसको एक टाइप बच्ची, देखो ये थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, आप ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है सर।
अभी इसकी वीडियो बना के भेजता हूँ आपको पूरा। तो ऊपर कभी कभी ऐसे आ जाता है, देखो यार, नीचे कभी कभी ऐसे आ जाता है, एक्स की पावर 4 + x² और ये देखो 16 आ गया। कभी 16 आ जाएगा, कभी कोई नंबर आ जाएगा मतलब, और ये बड़ा पंगा हो जाता है इस केस में। अब ये तो पता है ऊपर 2 चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, लेकिन वो तो तब चाहिए होता था जब नीचे x² + 1/x² बन रहा हो, जब नीचे x² + 1/x² बन रहा हो। अगर आप ऊपर नीचे x² से डिवाइड करोगे, मैं ऊपर तो नहीं कर रहा फिलहाल, नीचे करके दिखा रहा हूं, अगर मैं नीचे x² से डिवाइड करूंगा तो नीचे तो ये बन जाएगा, देखो आप बनेगा नहीं बनेगा, नीचे तो ये बन जाएगा। अब ये दिक्कत हो गई कि ऊपर 16 आ गया, ये 16 कहां से आ गया यार, ये 16 आ गया, यहां तो हमारा प्यारा सा 1 था, यहां 16 आ गया, तो धन्यली बात ही नहीं है। तो करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट बना के लिख के रख लूं, इसको मैंने नाम दे रखा है थंब रूल। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा इस केस में, तो 2 टाइम्स √16, जो भी नंबर, जो स्क्वायर रूट में जो नंबर आता है ना, ये कॉन्स्टेंट जो होता है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स करके। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो 2 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 × 4 से ही डिवाइड करेंगे, और ये ऊपर आ गया 8। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऊपर नीचे x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4/x² 2 बार आ जाएगा क्या। देखो आप अगर ऊपर नीचे x² से डिवाइड करोगे तो 4/x² 2 बार आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। है ना। 8/x² आया, उसको मैंने लिखा 4/x² + 4/x² ये 2 बार आ गया। हाँ सर। अब मेरे भाई, अब हमें तो पता है +1 की कमी है, वही +1 - 1 करना पड़ता है, वही पता है हमारे को, तो अब हम वही करेंगे, +1 कर देंगे और -1 कर देंगे। तो ये हमने कर दिया +1 और ये कर दिया -1, 1/8 ऐसे कैसे कॉपी कर ही रखा है, तो इसको तो अलग कर लिया हमने ऐसे पकड़ के। अब माइनस, ओ सॉरी, माइनस कॉमन निकाली दोनों से, और ये बनेगा 1/1 - 4/x² और नीचे वाले को कॉपी कर लिया ऐसे कैसे। अभी जो 1/8 बैठा है इसको भी अलग कर दो हाथ की आती, क्या यहां तक समझ में आ गए क्या, बताओ। सर अब आगे तो सिंपल कहानी है, वही तरीका है, प्लस है तो माइनस को टी मानते हैं, बस अब टी किसको मानेंगे, x - 4/x को टी मान लेंगे, क्योंकि ऊपर 4 तो बैठे ही, हम क्या करें इसका तो कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पे क्या करेंगे, x + 1/4 / x को u मान लेंगे। डिफरेंशिएट करके तो वही आ जाता है, देखो डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो डिफरेंशिएट करके तो वही आ जाएगा, उसमें तो कोई फर्क आने से रहा। हाँ स्क्वायरिंग में दिक्कत आता है, स्क्वायरिंग में क्या फर्क आता है वो समझने वाली बात है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके तो वही आ जाता, देखो डिफरेंशिएट किया मैंने तो वही आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब स्क्वायरिंग में थोड़ा ध्यान रखना होता है, जब स्क्वायरिंग करते तो आता है a² + b² - 2ab, तो माइनस का 8 आ जाएगा, इस बार देखो -2ab करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो माइनस का 8 उधर आके प्लस का 8 बनेगा, तो ये जब बनेगा ये क्या बनेगा, 1/8, ऊपर तो आ जाता है dt और इधर नीचे आता है t² + 8, और उस वाले केस में क्या होगा, तो ऊपर तो आ जाएगा du, स्क्वायरिंग करके लाओगे आप तो आएगा x² + 16/x² प्लस का 8 आएगा, तो उधर आके क्या बनेगा, -8, तो उधर आके बनेगा -8। अब तो सेम मैटर का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, है ना, ये √8 का स्क्वायर है, वही √8 का स्क्वायर है, टेन इनवर्स और लॉग लगा के आंसर आ जाएगा, बोलो ये पैटर्न समझ में आ गया सर। ना। हाँ बोलो, अगला पैटर्न कराऊँ, बहुत है आज के लिए तो बहुत है। बहुत है ना। हाँ चलो ठीक है ना, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।